नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कोविड 19 के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टरों के साथ बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस बैठक में डॉक्टर जतराया द्वारा बताया गया कि 7000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। डेरापुर में कम होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें जनपद में वैक्सीनेशन का लक्ष्य 10000 लेकर चलना है। इसमें सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोगों को शामिल करना है, जिससे वे समाज को प्रेरित कर वैक्सीनेशन को और बढ़ा सकते हैं। तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर इस बात पर जिलाधिकारी खासे नाराज दिखाई दिए कि अभी तक ऑक्सीजन प्लांट लगने में सक्रियता नहीं दिखाई दी जा रही है। इस काम को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाए। गौशाला के संबंध में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 2 नवीन गौशालाओं का निर्माण हो चुका है, तो वहीं लेकिन वहां पर अभी गौवंशों की शिफ्टिंग नहीं हुई है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाए। गोल्डन कार्ड की समीक्षा करते हुए पाया गया कि जनपद में 392 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, परंतु अभी तक 262 गोल्डन कार्ड की पोर्टल पर अपडेट हुई है। डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया कि जनपद में एक पॉजिटिव केस भी आया है। इस तरह जनपद में कुल 10 एक्टिव केस बचे हैं, जिसमें से 9 होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। कुल मिलाकर इस समीक्षा में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, नागरिकों को कोरोना महामारी से सुरक्षित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल, प्रशासन पंकज वर्मा, CMO डॉक्टर AK सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साक्षी, जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन आदि अधिकारीगण व चिकित्सक उपस्थित रहे। सिकंदरा कानपुर देहात से सुभाष कटियार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।